एप्पल साइडर विनेगर, इसके बारे में तो आजकल हर कोई जानता है, तो क्या ये वाकई में इसके हेल्थ बेनिफिट हैं या कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट हैं? एप्पल साइडर विनेगर बना कैसे है, सिर्फ हेल्थ बेनिफिट है या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है इसके? तो आज का ये वीडियो आपके इन्हीं डाउट को क्लियर करने के लिए बना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एप्पल साइडर विनेगर यानी के सेब का सिरका, तो ये जो है कैसे बनता है, इसमें ज़्यादातर सेब का जूस होता है, एप्पल जूस। उसके बाद इसमें ईस्ट को ऐड करते हैं यानी के खमीर को, और ये खमीर क्या करेगा, उस जूस को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, और इसी प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। अब जो बैक्टीरिया है उस जूस के अंदर, वो क्या करेगा, उस अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। यही वजह है कि विनेगर का जो टेस्ट है वो खट्टा होता है और उसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो बेसिकली हम ये जान गए कि एप्पल साइडर विनेगर बनता कैसे है। अब देखते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर के हेल्थ बेनिफिट क्या क्या है। एप्पल साइडर विनेगर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगर हम डेली इसकी हैबिट बना लें कि सुबह उठकर एक ग्लास पानी में हम एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर लें, तो ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर सकता है। एप्पल साइडर विनेगर ना सिर्फ ब्लड शुगर के लिए हेल्पफुल है, बल्कि ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करता है और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करता है। ये वेट लॉस के लिए भी हेल्पफुल है और ये एंटी बैक्टीरियल है, तो इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है। इसका मतलब ये हमें बीपी जैसी बीमारी से और डायबिटीज़ से या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से, हार्ट जैसी डिसीज़ से बचा सकता है कि अगर हम इसे प्रॉपर अमाउंट में लें तब। और भी इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं, जैसे कि ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव करता है। साथ में इसे बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर का आपने टोनर सुने होंगे, तो ये टोनर मार्केट में तो मिलता ही है, बट हम इसे घर पे भी बना सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर का टोनर, जो कि स्किन के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, एक्ने को प्रिवेंट करता है। सिर्फ इन बेनिफिट्स के साथ साथ बल्कि ये डैंड्रफ के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करती है। इसके साथ ये जो है ये क्या करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, मतलब एप्पल साइडर विनेगर डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है, ओवरऑल बॉडी की साफ सफाई हम कह सकते हैं। ये सारे कुछ हेल्थ बेनिफिट थे एप्पल साइडर विनेगर के, और ये तभी पॉसिबल है जब हम इसे प्रॉपर अमाउंट मिलें। अब कोई भी चीज़ को हम हद से ज़्यादा लेते हैं या उसके अमाउंट बढ़ा देते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट तो देखने को मिलता ही है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर से हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर को बिना सोचे समझे इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है कि इससे नुकसान तो होगा ही। सबसे पहले जैसे हमने देखे थे कि एप्पल साइडर का टोनर घर पे बना सकते हैं, तो एप्पल साइडर का टोनर बनाने के लिए एक स्प्रे बॉटल में टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर लीजिए और उसमें रोज़ वाटर मिक्स कीजिए। ज़रूरत पड़ने पर नॉर्मल पानी भी मिक्स करते हैं, उसको शेक करके फिर फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने एप्पल साइडर विनेगर का कंटेंट ज़्यादा कर दिए, उसे ज़्यादा यूज़ किए, तो फेस पे छाले भी पड़ सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट की बजाय फेस पे इसके साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हमने वीडियो में देखे थे कि एप्पल साइडर विनेगर से डैंड्रफ को ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर से अगर जो लोग बालों को डाई करते हैं, कलर करते हैं, वो डैंड्रफ के लिए ट्रीट करें तो ये उनको, उनके बालों को डैमेज कर सकता है। अगर आप अपने बालों को डाई करते हैं, कलर करते हैं, तो आपको एप्पल साइडर विनेगर को यूज़ नहीं करना चाहिए अपने बालों के लिए। कुछ लोग एप्पल साइडर विनेगर को टीथ वाइटनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, बट ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो टीथ के एनामल को ख़राब कर सकता है, जिससे आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है, दांत कमज़ोर पड़ सकते हैं, टूथ डीके जैसी प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर मैंने पहले ही बताया कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर हम लोग इसे डायरेक्ट यूज़ करें या कम पानी में इसको यूज़ करें, ये हमारे मुंह को, पेट को और
और थ्रॉट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसका ज़्यादा यूज़ करने से ब्लड में ग्लूकोज, पोटेशियम और कैल्शियम जैसी कमी हो सकती है, जिसकी वजह से हाथ पैर में क्रैम्प्स आने लगते हैं और इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि हाथ पैर अकड़ने लगते हैं। क्योंकि ब्लड में कैल्शियम की कमी होने लगती है तो उसकी वजह से जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, साथ ही साथ ब्लड ग्लूकोज लेवल पे इसका इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से चक्कर जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इनके अलावा एप्पल साइडर विनेगर कुछ दवाओं के साथ भी रिएक्ट करता है, तो अगर आप ऑलरेडी कोई दवा यूज़ कर रहे हैं जैसे कि डायबिटीज़ की, किडनी प्रॉब्लम की, ब्लड प्रेशर की या हार्ट से रिलेटेड मेडिसिन आप ले रहे हैं, तो एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ करने से पहले आप पहले डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लें, उसके बाद ही इसे यूज़ करें। तो ये थे कुछ बेनिफिट साइड इफ़ेक्ट एप्पल साइडर विनेगर के। तो आई होप कि ये नॉलेज आपके लिए हेल्पफुल होगी। और भी ऐसी मज़ेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलते रहे।